हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना फुल वीक वर्कआउट रूटीन, और ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। मैं आपके साथ हेल्थ रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूं क्योंकि मैं दिल से चाहती हूं कि आपको भी मेरी तरह हेल्थ और फिटनेस से प्यार हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे वर्कआउट से। मंडे मीन स्टार्टिंग ऑफ द वीक। सो अगर वीक की स्टार्टिंग कार्डियो से हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। सो कोशिश करती हूँ कि स्मॉल ब्रेक्स के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज को इंक्लूड करूँ जिनसे मेरा ब्रेथ रेट हाई रहे, और ये सारी एक्सरसाइजेज वो हैं जिनसे हमारी बॉडी एक्टिव बनती है। सो आपने देखा मैंने स्किपिंग से स्टार्ट किया, देन माउंटेन क्लाइंबर्स, और उसके बाद मैं करूँगी स्टेप अप्स। स्टार्टिंग में इनकी रेपिटेशंस आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ही रखें, देन स्लोली इंक्रीज सेट्स ऑफ एवरी एक्सरसाइज एंड डोंट फॉरगेट टू पुश योर लिमिट्स। जरूरी नहीं है कि विदाउट इक्विपमेंट एक्सरसाइज नहीं हो सकती, यही एक्सरसाइज आप घर की किसी सीढ़ी का यूज करते हुए भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा मूव है जो जंपिंग जैक्स की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन मैंने इसमें स्टेपर का यूज़ किया है। कार्डियो वर्कआउट में आपको मेनली ऐसी एक्सरसाइज को ही चूज़ करना है जिनसे ब्रेथ रेट हाई रहे, और यही चीज़ फास्ट फैट बर्न करने में हेल्पफुल होती है। क्रॉलिंग एंड हैंड प्लैंक, इसमें आपको अपने कोर को स्क्वीज करके रखना है। मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट की डिटेल्ड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वो एक साल पुरानी वीडियोस हैं, हो सकता है उनकी क्वालिटी आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज स्क्वाट जंप्स एंड मंडे वर्कआउट डन। वीक की स्टार्टिंग कार्डियो से करके देखें, देन टेल मी योर व्यूज इन कॉमेंट सेक्शन। ट्यूजडे वर्कआउट स्टार्ट होता है हाई इंटेंसिटी के साथ, जो कि है 100 हाई नीज। इसके मैं 3 सेट्स लगाऊंगी, और उसके बाद लोअर इंटेंसिटी एक्सरसाइज स्क्वाट्स विद केटल। सो अपने हार्ट रेट को साथ के साथ बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। आई एम यूजिंग केटल बेल विद 5 kg वेट। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी बैग में वेट फिल करके भी उसे यूज कर सकते हैं। ट्यूजडे वर्कआउट में कार्डियो तो इंक्लूडेड होता ही है, बट इस दिन मैं अपने आर्म्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि आपके बाइसेप ट्राइसेप को भी प्रॉपर एक्सरसाइज मिलना ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज आपकी आर्म्स में से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करती हैं। इसके लिए आपको 2 डंबल्स चाहिए, लेकिन अगर आपके पास डंबल्स नहीं हैं तो डोंट वरी, आप 2 खाली बॉटल्स ले सकते हैं जिसमें आप सैंड और वाटर फिल कर सकते हैं। अभी मैंने 15-15 रेपिटेशंस के 3-3 सेट लगाए हैं बाइसेप कर्ल और शोल्डर प्रेस के, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपने हर वर्कआउट में ब्रेथ रेट को बैलेंस करते हुए चलें, तो अभी ब्रेथ रेट को हाई करने के लिए मैं कर रही हूँ 100 फायर फीट, और उसके बाद मैं लगाऊंगी 3 सेट ट्राइसेप किकबैक के 15 रेपिटेशंस के साथ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट खुद को फिट रखने के लिए जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, साथ ही कोशिश करती हूँ कि अपने जैसी और लेडीज़ को खुद की केयर करने के लिए मोटिवेट कर सकूँ। अप एंड डाउन प्लैंक आपके एब्स पे तो वर्क करता ही है, साथ ही में आपके आर्म्स को भी स्ट्रेंथ देता है। ये एक्सरसाइज आप स्टेपर के साथ भी कर सकते हैं। मेरी एज 40+ है और बहुत ही सिंपल सी एक हाउसवाइफ हूँ। बहुत ज़्यादा स्किनी लाइक मॉडल दिखने का मुझे कोई शौक नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहूँ, और इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मंडे और ट्यूसडे के वर्कआउट के बाद वेडनेसडे का डे मैंने आउटडोर एक्टिविटी के लिए रखा है, जिसमें मैं 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करती हूँ, कुछ स्प्रिंट्स भी लगाती हूँ, एंड ऑल्सो डू सम लाइट एक्सरसाइजेज। बहुत डिफरेंस फील होता है जब आप फ्रेश एयर में कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, स्पेशली ब्रिस्क वॉक इफेक्ट्स लाइक अ थेरेपी। और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एक्सरसाइज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टनर को साथ लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, इससे एक्सक्यूजेस बनाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ अपना फ़ोन घर पे छोड़ के जाएं, क्योंकि किसी भी कॉल को अटेंड करने से ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंट को इन्जॉय करना। इससे पहले थर्सडे मेरा लेग वर्कआउट डे था, लेकिन उसको मैंने अब कन्वर्ट कर दिया है एब्स, बट और बैक डे में। इन तीनों पार्ट्स को एक्सरसाइज देने के साथ साथ मैं कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज भी करती हूँ। स्टार्ट किया है स्क्वाट्स, और उसके बाद कर रही हूँ रिवर्स लंजेस, जिसमें मैंने कुछ वेट्स का यूज़ भी किया है। हर दिन के वर्कआउट में ऑलमोस्ट लेग्स पे तो काम होता ही है, क्योंकि सारी बॉडी का वेट आपके लेग्स पे ही होता है, तो ये जितनी स्ट्रांग रहेंगी उतने ही आप एक्टिव बने रहेंगे।
केटलबेल या किसी दूसरे वेट के साथ कर सकते हैं इस ऐब एक्सरसाइज को। वेट के साथ करने से स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन ये उतनी ही इफेक्टिव भी होती है। कर्ल अप विथ टो टच, हैंड प्लैंक विथ स्टेबिलिटी बॉल एंड लेग लिफ्ट बॉल बिटवीन लेग्स, ये सारी ही एक्सरसाइजेज आपके एब्स पे वर्क करती हैं। बट ट्राई टू पुश योर लिमिट्स डे बाय डे टू रिमूव बैली फैट। एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में करें, लेकिन उसमें चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही तरह की एक्सरसाइज कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो आपकी बॉडी उसे रेगुलर वर्क की तरह अडेप्ट कर लेती है और रिजल्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। सो कई बार वर्कआउट डे चेंज करके या एक्सरसाइज में वेरिएशंस ला के आप अपनी बॉडी को शॉक दे सकते हैं, क्योंकि जितनी बार भी आप अपनी बॉडी को शॉक देंगे आपकी बॉडी रिजल्ट प्रोड्यूस करने पर मजबूर हो जाएगी। और इसीलिए हर 15 दिन के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज को शिफ्ट करती रहती हूँ। बट्स को टोन करने के लिए 2 या 3 एक्सरसाइजेज मैं इस वर्कआउट में ज़रूर ऐड करती हूँ, और इन एक्सरसाइजेज के एटलीस्ट 25 रेपिटेशंस विद ईच लेग ज़रूर लगाएं। डोंकी किक बैक, डॉग किक एंड बट ब्रिज, ये तीनों ही एक्सरसाइज बट्स को टोन करने के लिए परफेक्ट हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आई डू व्हाट आई लव टू डू। प्लीज़ आप भी वही करें जो आपको पसंद हो। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं तो प्लीज़ डोंट डू दैट, गो फॉर ए वॉक। अगर आपको एरोबिक्स करना पसंद है तो वो ट्राई करें। आप योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। लिसन टू योर बॉडी कि वो आपसे क्या चाहती है, क्योंकि दिल से की हुई चीज़ों का ही इफेक्ट ज़्यादा होता है। बेंड ओवर रो एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस अपर बैक फैट को रिमूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। स्टेबिलिटी बॉल के साथ ही ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन, ये आपकी आर्म्स के साथ साथ आपकी अपर बॉडी को भी एक्सरसाइज देती है। और इसके बाद 3 सेट्स ऑफ पुशअप्स विद 15 रेपिटेशंस एंड ट्यूजडे वर्कआउट डन। फ्राइडे वर्कआउट इज़ माई लेग्स वर्कआउट। इस वर्कआउट में मेनली फोकस सिर्फ लेग्स पे ही होता है। सो स्टार्ट करती हूँ स्किपिंग से, देन स्क्वाट्स विद डंबल्स। स्क्वाट्स एक ऐसी शानदार एक्सरसाइज है, अगर आप इसमें डंबल्स यूज़ ना करके सिर्फ बॉडी वेट के साथ ही इसे करें तो भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। स्टेपर के साथ की गई ये एक्सरसाइज लेग्स के साथ साथ ट्राइसेप पे भी वर्क करती है। इसके लिए आप किसी चेयर या बेंच का यूज़ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर एज, जेंडर या कैटेगरी मेंशन नहीं है। मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए ये कोई और मुझे नहीं बताएगा, इसका डिसीजन भी मुझे ही लेना है। ज़िंदगी सभी जीते हैं, जो हेल्दी हैं, फिट हैं, वो ज़्यादा बेटर जीते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने स्टेटस, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें चली जाएं तो वापस लाई जा सकती हैं, लेकिन हेल्थ एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आएगी। कभी किसी से ना डरें, लेकिन मेडिसिन से ज़रूर डरें। कोशिश करें कि मेडिसिन का आगमन आपकी ज़िंदगी में कभी ना हो। सो बी एक्टिव बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़। इन सारे डेज की एक्सरसाइजेज में से 2-2 एक्सरसाइजेज चूज़ करके आप अपने लिए 15 मिनट्स या 30 मिनट का कोई वर्कआउट भी बना सकते हैं। ऑल डिपेंड ऑन योर टाइम एंड स्ट्रेंथ। Some things never change. I couldn't stop and say no. So I'll say, you won't take blame. वॉल सिट, डंबल स्क्वाट एंड बर्पी के बाद लास्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं रिवर्स लंजेस। हो सकता है स्टार्टिंग में कोई भी वर्कआउट फॉलो करने से आपको मसल पेन स्टार्ट हो जाए। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप एक दिन स्किप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। वार्म वाटर से बात लेने से आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। Nobody's gonna save her.
सैटरडे यानी कि लास्ट डे ऑफ द वीक, ये बहुत ही रिलैक्स डे होता है। इस दिन या तो बहुत ही लाइट सी वॉक पे चली जाती हूँ और या फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लाइक 20 टाइम्स सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स आप गूगल करके देख सकते हैं, देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेरी सूर्य नमस्कार की डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।